Hey guys, welcome back to another video lecture on Arch Bionim. So in today's video, we are going to discuss about muscle contraction. Now before directly jumping onto our topic, that is muscle contraction, पहले अपन ना थोड़े बेसिक टर्मिनोलॉजीज या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे, जिससे ना मसल कॉन्ट्रैक्शन समझना अपन को थोड़ा इजी हो जाता. एंड दोज ऑफ यू हु डायरेक्टली वांट टू वॉच मसल कॉन्ट्रैक्शन, आप वीडियो आगे स्किप कर सकते हैं. ऐसा 10 सेकंड से टैप 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 करके 10 सेकंड से भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर नीचे रेड लाइन आती है उसको आप ऐसे स्वाइप करके भी 10 सेकंड से फॉरवर्ड कर दे सकते हैं. दैट्स अप टू यू, आप जैसा करना चाहो करो. तो बेसिक से देखो, अपन मसल से स्टार्ट करेंगे. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म मसल्स? मसल्स कैसा डिस्क्राइब करते हैं आप? तो मसल्स आर बेसिकली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, दे आर नथिंग बट टिश्यूज, ठीक है. और अपना जो बॉडी वेट है, 40-50% ऑफ द बॉडी वेट इज गिवन बाय आवर मसल्स ओनली, ठीक है. एंड ये जो मसल्स है, अपन ना डिफरेंट कैटेगरीज पे, डिफरेंट बेसिस पे अपन उन लोगों को डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ इमेज में बेस्ड ऑन द लोकेशन दे आर डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स, जैसे हो गया कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल. अब कार्डियक मसल की आप लोकेशन देखो, कहाँ दिखते हैं कार्डियक मसल आपको? हार्ट में दिखते. तो दैट इज द रीजन वाई दे आर नेम्ड एज कार्डियक मसल्स. नेक्स्ट देखो स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स आपको विजरल ऑर्गन्स में दिखते, ठीक है. तो इसको इसीलिए उसको स्मूथ मसल्स या फिर विजरल मसल्स भी बोल दे सकते. एंड टॉकिंग अबाउट द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स अपने स्केलेटल सिस्टम से जुड़े हुए रहते हैं, एंड दैट्स द रीजन वाई दे आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स. सिंपल. अब देखो ये कार्डियक मसल, स्मूथ मसल जो है, दे आर इनवॉलेंटरी, अपने कंट्रोल में नहीं रहते उन लोग, ठीक है. वेयर एज द स्केलेटल मसल इज वॉलेंटरी इन फंक्शन, उन लोग अपने कंट्रोल में रहते. फॉर एग्जाम्पल, आप पार्क को चले गए, या फिर पार्क का एक एग्जाम्पल ले लेंगे. आप पार्क को गए, आपको रोज का प्लांट दिखा, आप रोज तोड़ने गए एंड उसका कांटा आपको प्रिक कर गया, तो आप हाथ वैसे ही लगा लेके बैठे कि चुभ चुभ और चुभ बोल के, नहीं, आप जल्दी से अपना हाथ वहाँ से हटा लेते. तो वो जो भी एक्शन हो रहा, दैट इज़ इन योर कंट्रोल, राइट. आप अपने कंट्रोल से हाथ आपका जोर से हटा ले रहे हैं, एंड वो ब्रेन से मैसेज जा रहा आपको कि अब वो चुभ रहा, आपको हाथ उठाओ. तो बेसिकली ये जो स्केलेटल मसल्स रहते हैं वो अपने कंट्रोल में रहते. तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं अपन, वो स्केलेटल सिस्टम्स के, सॉरी स्केलेटल मसल से रिलेटेड ही पढ़ने वाले हैं. तो या स्केलेटल मसल्स आपको आई होप समझ में आ गया, वॉट आर मसल्स भी आई होप आपको समझ में आ गया. अब ये इमेज देखो भाई, ये है आपका स्केलेटल मसल, ठीक है. आप अपना बाइसेपिच ले लो, बाइसेप को अपन ऐसा काट दिए, अपन ऐसा काटे तो अंदर की तरफ ना आपको ऐसे ये चीज़ें दिख रहे भाई. तो दीज आर नथिंग बट मसल बंडल्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मसल बंडल्स, या फिर आप इसको फैसिकल्स भी बोल सकते हैं. तो बेसिकली अपना जो स्केलेटल मसल रहता है, दैट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल्स. अब ये मसल बंडल्स के अंदर अगर आप देखें, तो सिमिलरली आपको मसल फाइबर्स दिख जाते. अब मसल फाइबर्स के एक दो पॉइंट डिस्कस करेंगे. अब ये मसल फाइबर को लाइन करती हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती, राइट, थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती. नाउ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड एज सार्कोलेम्मा, सार्कोलेम्मा, ठीक है. नाउ दिस मसल फाइबर विल हैव साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड एज द सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म. एंड ये सार्कोप्लाज्म में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिख जाता, दैट इज कॉल्ड एज द सार्कोप्लाज्मिक, प्लाज्मिक रेटिक्युलम, ठीक है. अब एक चीज़ याद रखो, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्युलम है, ये जो है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयोन्स. तो उन्हें कैल्शियम आयोन्स को स्टोर कर लेके रखता, दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्युलम. अब याद रखो, बल्कि कहीं को स्पेसिफिकली बोले आपको, बिकॉज ये आगे आपको आता मसल कॉन्ट्रैक्शन जब आप पढ़ते, वहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं इसको. सो फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्युलम इज कंसिडर्ड टू बी द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम. राइट, नाउ मूविंग अहेड, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी रहते हैं इनके सार्कोप्लाज्म में, विच आर कॉल्ड एज सार्कोजोम्स. दीज आर कॉल्ड एज, माइटोकॉन्ड्रियाज आर कॉल्ड एज सार्कोजोम्स. सिंपल. अब इसके सार्कोप्लाज्म में, मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में आपको पैरेलली अरेंज्ड स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, एंड दोज आर कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल्स, या फिर आप इसको मायोफिलामेंट्स भी बोल सकते. राइट जी, यहाँ तक क्लियर है? ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल. अब नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस मायोफाइब्रिल, आपको ऐसे स्ट्राइएशंस दिख रहे, ऐसे लाइंस दिख रहे, एंड इफ यू वांट टू क्लियरली सी व्हाट आर दोज लाइंस, दे आर समथिंग लाइक दिस. ये इमेज ये दिख रहा नीचे की तरफ आपको, दे लुक समथिंग लाइक दिस. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन द पॉइंटर हियर, राइट. हाँ, तो ये स्ट्रक्चर रहता पूरे मायोफाइब्रिल पे फैले हुआ, जितने भी मायोफाइब्रिल्स रहते पूरे मायोफाइब्रिल्स में आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता, एंड दीज आर कॉल्ड एज सार्कोमियर्स. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सार्कोमियर्स? सार्कोमियर्स बोले तो दे आर कंसिडर्ड टू बी द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. दीज सार्कोमियर्स आर कंसिडर्ड टू बी द
functional unit of contraction. कॉन्ट्रैक्शन तो बेसिकली जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता ये वो सार्कोमियर्स में ही होता. अब यहाँ पे देखो ये zigzag लाइन दिख रही है, ये zigzag लाइन टू ये zigzag लाइन कंप्राइज वन सार्कोमियर. ये पूरा एक सार्कोमियर रहता, ये दूसरा सार्कोमियर, ये तीसरा सार्कोमियर, ये चौथा सार्कोमियर, ये पांचवा सार्कोमियर. तो बेसिकली मायोफाइब्रिल की सारी लेंथ पे ऐसे सार्कोमियर्स अरेंज्ड रहते. अब जरा अपन गौर करें, आप ये एक स्पेसिफिक सार्कोमियर को गौर करो इधर. Now this sarcomere, if you observe here, you will find thick bands here, dark bands. ये बीच वाले जो है, these are all dark bands. And ये blue वाले lines are the light bands. So if you observe, dark bands arranged है, light bands arranged है, and they are arranged alternatively, dark band, light band, dark band, light band. तो ये alternatively arrangement आपको dark bands and light bands का दिख जा रहा. तो अभी ये सार्कोमियर को, सिंस वी आर टेलिंग इट एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. तो अपन जरा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे एक सार्कोमियर को अपन पिक करके अलग कर लिए, एंड अ सार्कोमियर वुड लुक समथिंग लाइक दिस. ओके जी, क्लियर है. अब यहाँ पे सार्कोमियर के स्ट्रक्चर्स देखेंगे. तो ये देखो, ये हो गया सार्कोमियर का डार्क बैंड, ठीक है. दिस इज कंसिडर्ड टू बी द डार्क बैंड ऑफ सार्कोमियर, एंड ये लाइट बैंड्स है. अब डार्क बैंड्स को अपन ए बैंड्स भी बोल दे सकते हैं. एज यू कैन सी लेबलिंग है, डार्क बैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए बैंड्स, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज अनआइसोट्रोपिक बैंड्स. एंड दीज बैंड्स आर कंपोज ऑफ मायोसिन प्रोटीन. इनमें जो प्रोटीन रहता, मायोसिन प्रोटीन आपको दिख के आता, एंड स्केलेटल मसल की जो स्ट्राइएशंस अपन को दिखती डार्क बैंड लाइट बैंड की, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज प्रोटीन्स कॉल्ड एज मायोसिन प्रोटीन एंड एक्टिन प्रोटीन. तो बेसिकली ये डार्क बैंड जिसको अपन ए बैंड भी बोल दे रहे, अनआइसोट्रोपिक बैंड भी बोल दे रहे, उसमें आपको मायोसिन प्रोटीन दिखता सिंपल. अब ये मायोसिन प्रोटीन रहने की वजह से आप इसको मायोसिन फिलामेंट भी बोल दे सकते, ठीक है. मायोसिन, जस्ट अ सेकेंड, स्पेलिंग गलत है, मायोसिन फिलामेंट, राइट. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डार्क बैंड्स, ए बैंड्स, अनआइसोट्रोपिक बैंड्स, मायोसिन फिलामेंट्स भी आप बोल दे सकते. नाउ टॉकिंग अबाउट द लाइट बैंड्स हियर, ये पतले वाले लाइट बैंड्स, दे आर कॉल्ड एज आई बैंड्स और आइसोट्रोपिक बैंड्स या फिर लाइट फिलामेंट्स. और दे आर नाउ, इनके पास जो रहता एक्टिन प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड रहता, तो इन लोगों को एक्टिन फिलामेंट्स भी बोल दे सकते, राइट जी, क्लियर है. तो ये दो मेन चीज़ें रहते एक सार्कोमियर के. अपार्ट फ्रॉम दीज स्ट्रक्चर्स, अब यहाँ पे आपको ये zigzag लाइन दिख रही. नाउ दैट zigzag लाइन इफ यू ऑब्जर्व इज द सेंटर ऑफ द थिन बैंड्स. तो ये जो बैंड्स है उसके सेंटर में रह रहे उन लोग. सी दीज आर द zigzag लाइन्स, यहाँ से थिन बैंड, यहाँ से थिन बैंड, यहाँ से लाइट चेन, यहाँ से लाइट बैंड, यहाँ से लाइट बैंड, ठीक है. तो ये zigzag लाइन को अपन Z लाइन बोल देते, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज Z लाइन, एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी द सेंटर ऑफ द लाइट फिलामेंट्स या फिर आइसोट्रोपिक बैंड या फिर आई बैंड्स, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको एक जोन दिखता, H जोन. अब ये H जोन में वॉट यू कैन ऑब्जर्व इज देर आर नो थिन फिलामेंट्स अवेलेबल. लाइट फिलामेंट्स, आइसोट्रोपिक बैंड या फिर एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो ये रीजन में नहीं रह रहे. देखो यहाँ पे थिन फिलामेंट खत्म हो जा रहा, यहाँ पे लाइट फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट आई शुड से. तो यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट खत्म हो जा रहा, यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट हो जा रहा. नाउ देर इज दिस जोन हियर जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स नहीं है, सिर्फ थिक फिलामेंट्स का पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द H जोन. नाउ अपार्ट फ्रॉम द H जोन को हेंसन्स डिस्क भी आप बोल दे सकते हैं. That is also called as Henson's disc, right? Apart from that, center में आपको ये दिख रहा है, that is called as the M line, middle line, ठीक है जी. So ये सब चीज़ें आपको sarcomere में दिख जाते. तो basically contraction में ये सब चीज़ें involved रहते. Now talking about, थोड़ा सा detail में जाएंगे इधर. यहाँ पे actin और myosin filaments के बारे में बात करेंगे, क्योंकि contraction के time पे क्या होता, ये बात समझो आप लोग. contraction के time पे क्या हो रहा, ये जो मायोसिन में ये ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको,
ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, जाके ये एक्टिन फिलामेंट को बाइंड करते, बाइंड करके एक्टिन फिलामेंट को सेंटर की तरफ पुल करते। तो ये सब लोग ऐसा बाइंड करके एक्टिन फिलामेंट को ऐसा अंदर की तरफ पुल करते। फॉर एग्जांपल ये वो राउंड राउंड स्ट्रक्चर है मायोसिन फिलामेंट का, ये एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है, उसको ऐसा बाइंड करके ऐसा सेंटर की तरफ ऐसा पुल करते रहते हैं उन लोग। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन में हो रहा। तो थोड़ा सा गौर करके एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये है जी हमारा एक्टिन फिलामेंट। ये एक्टिन फिलामेंट टोटल 3 प्रोटीन से बने हुआ रहता, यहाँ पे एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। अब थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब ये जो बीड्स आपको दिख रहे हैं, ये बीड्स, दीज आर नथिंग बट एफ एक्टिन। ये एफ एक्टिन जो है वो पॉलीमर है जी प्रोटीन का, जी एक्टिन का, ठीक है। तो ये जो है पूरे जी, फॉर एग्जाम्पल देखो ये एक जी एक्टिन है, दिस इज अ जी एक्टिन, ठीक है। कई सारे जी एक्टिन्स ऐसा चिपक के एफ एक्टिन बनाते, तो एफ एक्टिन बेसिकली ऐसा अरेंजमेंट रहता उसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल यू ऑब्जर्व दिस थिंग हियर, तो दिस इज बेसिकली एफ एक्टिन एंड इट इज अरेंज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ऐसी अरेंजमेंट रहती है एफ एक्टिन की। एंड वो छोटे छोटे बीड्स जो है दे आर नथिंग बट मोनोमेरिक यूनिट्स, आपको आई थिंक नहीं दिख रहा है इसमें, सो दे आर अरेंज समथिंग लाइक दिस। एंड ये जो मोनोमेरिक एक बीड है दैट इज जी एक्टिन, वन बीड हियर इज द जी एक्टिन, जिसको अपन ग्लोब्यूलर एक्टिन भी बोल दे सकते हैं। एंड एफ एक्टिन इज कॉल्ड एज फिलामेंटस एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन। आई होप आपको इससे समझ में आया होगा कि इनकी अरेंजमेंट कैसी है। तो जी एक्टिन बहुत सारे मिलके एफ एक्टिन बनाते हैं एंड उन लोग ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में रहते, ठीक है, ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में रहते। अब ये जी एक्टिन्स के ऊपर, लेट मी अरेज दिस ओवर हियर, ये जी एक्टिन के ऊपर ना ऐसा एक्टिव साइट रहता। नाउ व्हाट इज दैट एक्टिव साइट, दैट इज कॉल्ड एज द मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो अपन अभी बोले कि थिन फिलामेंट ऐसा रहता, थिक फिलामेंट ऐसा रहता, थिक फिलामेंट में मायोसिन रहता। तो मायोसिन जब थिन फिलामेंट को बाइंड करता या एक्टिन फिलामेंट को बाइंड करता मायोसिन, दैट विल बाइंड टू द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ओनली, ठीक है। तो ये जी प्रोटीन पे वो साइट्स रहते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। अब वो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स क्या है, ऐसा हमेशा ओपन नहीं रहते, उन लोग ना मास्क्ड रहते। अब वो मास्क कैसा रहता, दूसरा ये डार्क ब्लू कलर का दिख रहा आपको, ये डार्क ब्लू कलर का प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज ट्रोपोमायोसिन विल मास्क द एक्टिव साइट्स प्रेजेंट ऑन जी प्रोटीन या फिर एफ एक्टिन, ठीक है। तो उन लोग ऐसा मास्क करके रखते ये ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के अलावा आपको एक और प्रोटीन दिख रहा है यहाँ पे, 3 सर्कुलर डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोनिन। अब ये ट्रोपोनिन जो है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ऐसे जगह जगह पे दिख जाता। फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, इसके ऊपर एक और तागा आप इमेजिन कर लो कि लपटा हुआ है, दैट इज ये ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ना ऐसे छोटे 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 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे रहते थोड़े थोड़े प्लेसेस पे प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोनिन, क्लियर जी। अब ट्रोपोनिन का ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप लोग इतना याद रख लो कि ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर ना ऐसा रहता, ठीक है। उसके पास 3 सब यूनिट्स रहते, एक सब यूनिट कैल्शियम को बाइंड करने रहता, एक से उन्हें ट्रोपोमायोसिन को खुद चिपके हुआ रहता एंड एक से उन्हें क्या करता, इनहिबिट करता एक्टिन एंड मायोसिन का मिला, ठीक है, एक्टिन मायोसिन को मिलने से इनहिबिट करता, ठीक है। ITC 3 सब यूनिट्स के आप ऐसे याद रख लो नामा, ठीक है। सो ये है अपना थिन फिलामेंट आई बैंड, ये जो है आई बैंड उसका स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा रहता। आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन देखेंगे मायोसिन फिलामेंट थिक फिलामेंट कैसा रहता। थिक फिलामेंट में अपन को देखो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, अभी अपन बोले कि उन लोग जाके बाइंड करते, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर्स में आपको दिख जा रहा हेड रीजन है, शॉर्ट आर्म है एंड टेल रीजन है, ठीक है। अब ये भी क्या है, दिस थिक फिलामेंट या फिर डार्क बैंड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेनी मोनोमेरिक यूनिट्स कॉल्ड एज मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन से इन लोग बने हुए रहते। तो अगर अपन एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो हेड विद अ शॉर्ट आर्म, इन लोग एक साथ रहते एंड टेल्स एक साथ रहते, ठीक है। ये जो हेड बने हुआ रहता दैट इज मेड अप ऑफ हैवी चेन एंड जो टेल्स रहते दैट इज मेड अप ऑफ लाइट चेन, लाइट मीरोमायोसिन। एंड ये हेड एंड शॉर्ट आर्म जो है वो हैवी मीरोमायोसिन से बने हुए रहते, HMM एंड LMM, ठीक है। तो इन लोग ऐसा देखो क्रॉस करके बना रहे, दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉस आर्म, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉस आर्म। सिंपल, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे उसके हेड रीजन में 2 साइड्स प्रेजेंट रहते भाई, ऐसा एक साइड एंड दूसरा साइड प्रेजेंट रहता। नाउ वन साइड इज कॉल्ड एज एक्टिन बाइंडिंग साइट,
यहाँ देखो, ये एक साइड रहता, ये एक साइड रहता, ठीक है. नाउ दिस साइड इज कॉल्ड एज एक्टिन बाइंडिंग साइड एंड दिस साइड इज कॉल्ड एज एटीपी बाइंडिंग साइड. तो ये एटीपी बाइंडिंग साइड के पास आके एटीपी चिपकता एंड ये एक्टिन बाइंडिंग साइड के पास जाके, सॉरी एक्टिन बाइंडिंग साइड से उन्हें क्या करता, एक्टिन फिलामेंट को एट मायोसिन बाइंडिंग साइड चिपकता. समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक? तो ये है हमारे डार्क बैंड्स एंड लाइट बैंड्स का स्ट्रक्चर. अब अपन समझेंगे कॉन्ट्रैक्शन. नाउ फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टार्ट द टॉपिक, अपना मेन टॉपिक जो था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल. मसल कॉन्ट्रैक्शन में मेनली देखो तीन चार स्टेप्स रहते हैं. एक्साइटेशन ऑफ द मसल, फर्स्ट स्टेप है एक्साइटेशन ऑफ द मसल. अब एक्साइटेशन ऑफ द मसल में क्या रहता, फर्स्ट अपना ब्रेन मोटा न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजता कि आपको ये काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, मसल को आर्म हटाना है. तो ये अपन समझेंगे थोड़ा डिटेल में. तो ये न्यूरॉन का एंड है एंड ये अपना मसल है, ठीक है. तो यहाँ पे देखो न्यूरॉन का एंड, जनरली इतने सारे एंड्स रहते हैं न्यूरॉन के एंड ऐसा मसल रहता, बट अपन स्पेसिफिकली इतने हिस्से की बात कर रहे, ठीक है. वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, एक हिस्से को लेके. तो ये एक एंड है, ठीक है, एंड ये अपना स्केलेटल मसल है. अब यहाँ पे न्यूरॉन में इफ़ यू ऑब्जर्व, केमिकल्स रहते, वेसिकल्स रहते जिसमें एसिटोकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट रहता. अपार्ट फ्रॉम दैट दे विल हैव अ कैल्शियम गेटेड चैनल, किसके पास, न्यूरॉन के पास. अब ये मोटार न्यूरॉन और अपना स्केलेटल मसल दोनों मिला के बनाते मोटार यूनिट. दे टुगेदर फॉर्म द मोटार यूनिट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो इनके बीच में कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड एज NMJ, न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन. दिस इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन और आप उसको मोटार एंड प्लेट भी बोल दे सकते, मोटार एंड प्लेट. सिंपल, दिस कनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन, मोटार न्यूरॉन एंड हमारा स्केलेटल मसल इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन और मोटार एंड प्लेट. नाउ लेट मी erase दिस. तो फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा, अपन क्या बोले, फर्स्ट स्टेप क्या बोले, एक्साइटेशन ऑफ मसल. अब यहाँ पे मसल एक्साइटेशन हो रहा, ब्रेन से इम्पल्स आ रहा, नर्व इम्पल्स आ रहा. नाउ बिकॉज नर्व इम्पल्स आ रहा, यहाँ पे क्या हो रहा, गेटेड चैनल्स, कैल्शियम गेटेड चैनल्स विल ओपन. नाउ एज सून एज द कैल्शियम गेटेड चैनल्स विल ओपन, सराउंडिंग का कैल्शियम जो है दैट विल गेट इन टू द मोटार न्यूरॉन. मोटार न्यूरॉन के अंदर उन लोग इन्फ्लक्स करते हैं. एज सून एज द कैल्शियम एंटर्स द मोटार न्यूरॉन, उन्हें ये जो वेसिकल्स है उसका एक्सोसाइटोसिस कराता. नाउ दिस केमिकल, सॉरी दिस, these will have acetylcholine, these vesicles will have chemical called as neurotransmitter called as acetylcholine present in them. So as soon as the influx of calcium takes place into the motor neuron, it will cause the exocytosis of these vesicles. अब ये vesicles क्या कर रहे, इधर आ रहे, ठीक है, एंड में आके ऐसा चिपक रहे एंड जो भी acetylcholine या neurotransmitter है दे आर रिलीज इंटू द न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन लाइक दिस. सिंपल, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स हो रहा, वेसिकल्स का एक्सोसाइटोसिस हो रहा, जिसकी वजह से जो भी एसिटाइलकोलिन या फिर न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं दे आर गेटिंग सेक्रेटेड इंटू द न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन, द जंक्शन बिटवीन द स्केलेटल मसल एंड द न्यूरोन, ठीक है. तो अब यहाँ पे अपने स्केलेटल मसल पे ना ऐसे रिसेप्टर्स रहते फॉर दीज केमिकल्स. एसिटाइलकोलिन के लिए ऐसा रिसेप्टर्स अरेंज रहते, तो दोज एसिटाइलकोलिन विल कम एंड बाइंड टू दोज रिसेप्टर्स कॉजिंग द ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम द मोटार न्यूरॉन टू द स्केलेटल मसल. तो इसकी वजह से क्या हो रहा, जो भी नर्व इम्पल्स था दैट इज गेटिंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मोटार न्यूरॉन एंड इन टू द स्केलेटल सिस्टम. नाउ एज सून एज इट द मोटार न्यूरॉन कम्स इन टू द स्केलेटल सिस्टम, यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट गेट्स एक्टिवेटेड एंड दिस विल रिलीज कैल्शियम आयन, Ca+ आयन्स इन्हें रिलीज कर देता. रिमेंबर स्टार्टिंग में अपन बोले थे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन्स. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है. तो ये जो हो रहा नर्व इम्पल्स आने की वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलीजिंग द कैल्शियम आयन्स. नाउ एज सून एज दीज कैल्शियम आयन्स आर रिलीज्ड दे विल गो एंड बाइंड टू द ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन में अपन एक बाइंडिंग साइट है बोले, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, दैट विल गो एंड बाइंड टू द ट्रोपोनिन. अब इजीली समझ में आने के लिए लेट मी शो यू दिस वीडियो हियर. तो जस्ट ऑब्जर्व दिस वीडियो, ये वीडियो को धीरे धीरे ऑब्जर्व करो. अब अपन क्या बोले, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आ रहा, कैल्शियम आ रहा. तो यहाँ पे दिख रही ये दीज आर द कैल्शियम आयन्स. सो एज सून एज द कैल्शियम एंटर्स दे आर बाइंडिंग टू द वन ऑफ द सब यूनिट्स ऑफ द ट्रोपोनिन. अब ट्रोपोनिन को बाइंड होते क्या हो रहा, देखो वो जो ट्रोपोमायोसिन मास्क करके था एक्टिव साइट को, इट इज मूविंग एंड देखो बाइंडिंग साइट्स क्या हो रहे, अनमास्क हो जा रहे, बाइंडिंग साइट्स पूरे अनमास्क हो जा रहे. नाउ आई रिपीट,
कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेक्रेट कर रहा है. कैल्शियम इज कमिंग एंड बाइंडिंग टू द ट्रोपोनिन प्रेजेंट ऑन द थिन फिलामेंट या फिर एक्टिन फिलामेंट, एंड एज सून एज इट बाइंड्स टू द एक्टिन फिलामेंट का ट्रोपोनिन को बाइंड करता है. ट्रोपोनिन क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन में चेंजेस करता है, एंड ट्रोपोमायोसिन क्या कर रहा है, ट्रोपोमायोसिन इज मूविंग सच एज अनमास्किंग द बाइंडिंग साइट्स, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन द एक्टिन फिलामेंट. क्लियर है, देखो आप क्लियरली ये वीडियो में देखो, कैल्शियम आके बाइंड हो रहा एंड ट्रोपोमायोसिन हट जा रहा है ट्रोपोनिन के वजह से, एंड देखो बाइंडिंग साइट्स ओपन हो गए. अब वो बाइंडिंग साइट्स को अपना हेड मायोसिन थिक फिलामेंट का हेड बाइंड करता. अब ये यहाँ पे देखो थिक फिलामेंट में अपन क्या बोले, थिक फिलामेंट में अपन बोले कि हेड रीजन है, एटीपी बाइंडिंग साइट है एंड एक्टिन बाइंडिंग साइट है. एटीपी बाइंडिंग साइट में एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है जिसकी वजह से एटीपी विल गेट कन्वर्टेड टू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. एज सून एज इट गेट कन्वर्टेड इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये जो हेड है दैट विल गो एंड बाइंड टू द एक्टिन फिलामेंट. नाउ ऑब्जर्व दिस डायग्राम हियर, ये वाला डायग्राम ऑब्जर्व करो, सॉरी ऑब्जर्व दिस वीडियो हियर. यहाँ पे एटीपी जो है, एटीपी इज गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड टू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. नाउ एज सून एज इट गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड टू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मायोसिन हेड्स क्या कर रहे, जाके बाइंड कर ले रहे टू द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स. नाउ ऑब्जर्व दिस हियर, दे आर गोइंग एंड बाइंडिंग. अब ये जो बाइंडिंग हो रहा दैट इज, ये जो बाइंडिंग हो रहा इधर दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन. जब हेड जाके एक्टिन फिलामेंट को बाइंड करता, दैट हेड ऑफ मायोसिन बाइंड्स टू द एक्टिन फिलामेंट, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन. दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन. ठीक है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो रहा, फॉर्म होते ही उन क्या करता है, देखो बाइंडिंग साइट्स पे बाइंड कर रहा. अपने पास मायोसिन के हेड पे एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट है, दोनों बाइंडिंग साइट्स मिलते ऐसा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन. एज सून एज क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, देखो यहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया. नाउ दीज हेड्स विल पुल द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर. तो अब यहाँ देखो, दे आर पुलिंग इट टुवर्ड्स द सेंटर. ऑब्जर्व इट अगेन, दे आर पुलिंग इट टुवर्ड्स द सेंटर. ऐसा पुल करते सारे हेड्स मिलके एक्टिन फिलामेंट्स को ऐसा अंदर की तरफ, दे विल कीप पुलिंग इट. ठीक है, समझ में आ गया. नाउ दिस पुलिंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट बाय द मायोसिन हेड इज कॉल्ड एज पावर स्ट्रोक. अब एज सून एज दिस पावर स्ट्रोक इज जनरेटेड, जो एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था वो रिलीज हो जाता, नया एटीपी आके बाइंड होता एंड जो क्रॉस ब्रिज थी वो अलग हो जाती. ठीक है, फिर नया एटीपी मॉलिक्यूल आके जुड़ता, वो एटीपी मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होके एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता. एज सून एज इट फॉर्म्स एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दिस विल बाइंड टू द बाइंडिंग साइट्स, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन द एक्टिन फिलामेंट, एंड देन वो पावर स्ट्रोक करता. अब पावर स्ट्रोक होते ही क्या हो रहा, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो रहता दे विल रिलीज, नया एटीपी मॉलिक्यूल आके जुड़ता है इसको, जुड़ते जिन्हें अलग हो जाता, क्रॉस ब्रिज जो है टूट जाती. सो दिस इज हाउ मसल कॉन्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस. एंड अगर आप पूरे सार्कोमियर में देखें तो पूरे सार्कोमियर में ऐसा होता मसल कॉन्ट्रैक्शन. देखो शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर इज टेकिंग प्लेस, ऑल द हेड्स यहाँ पे देखो, दीज हेड्स विल पुल द थिन फिलामेंट्स ओवर विच विल लीड टू द शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर. नाउ ऑब्जर्व हियर, हेड्स पुल कर रहे, हेड्स आर बाइंडिंग टू द एक्टिन फिलामेंट एंड दे आर पुलिंग द एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड्स द इनर साइड. तो पूरे एक्टिन फिलामेंट जितने भी अपन देखे सब ऐसा पुल होते, एंड दैट इज हाउ इट विल टेक प्लेस. आई होप आपको समझ में आया होगा. सो फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज अपन देखे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द साइकिल देखे, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा सो देखे. सिंपल जी, दिस इज कॉल्ड एज द स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी. इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी बोलते. तो यहाँ पे फिर से देख लो, एटीपी मॉलिक्यूल है, ये एटीपी मॉलिक्यूल इज गेटिंग हाइड्रोलाइज टू एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. जब जाके हेड एक्टिन फिलामेंट को बाइंड कर रहा, एक्टिन फिलामेंट को बाइंड कर रहा और उसको पावर स्ट्रोक से खींच ले रहा. खींच लेने के बाद क्या हो रहा, एडीपी जो है एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आर सेक्रेटेड आउट, एंड देन नया एटीपी मॉलिक्यूल आने के बाद दैट विल लीव लाइक दिस. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब ये प्रोसेस कब तक स्टार्ट होता, अब याद करो आप, कैल्शियम आयन से, कैल्शियम आयन्स की वजह से हो रहा. कैल्शियम आयन जैसे आके बाइंड कर रहे तो एक्टिव साइट्स ओपन हो रहे, ट्रोपोमायोसिन हट जा रहा, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को हटा दे रहा, एक्टिव साइट्स ओपन हो जा रहे, एंड जब जाके हेड बाइंड कर रहा. तो जब तक कैल्शियम आयन्स रहते, जब तक कैल्शियम आयन्स आगे बाइंड करते रहते, जब तक ये प्रोसेस चलते रहता, वंस ऑल द कैल्शियम आयन्स गेट बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगेन, दिस प्रोसेस विल स्टॉप, कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस का स्टॉप हो जाता, एंड दैट इज वेन वी से दैट मसल्स आर रिलैक्स्ड. आई होप द कॉन्ट्रैक्शन वॉज क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल. आई होप आपको समझ में आया होगा. तो यहाँ पे देखो आप, रिलैक्स्ड स्टेट में दिस इज द थिक फिलामेंट, लेट मी जूम इनटू दिस,
और ये देखो ये थिन फिलामेंट है। अब रिलैक्स स्टेट में कुछ भी नहीं हो रहा, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा ये हेड्स पूरे मिलके थिन फिलामेंट्स को खरीब ला रहे, जिसकी वजह से देखो आई बैंड खरीब आ रहा। तो आई बैंड इज़ बेसिकली गेटिंग रिड्यूस्ड, ये जी लाइन भी गेटिंग रिड्यूस्ड, जी लाइन इज़ ऑल्सो गेटिंग रिड्यूस्ड, एंड जो सार्कोमियर है उस वो भी शॉर्टन होता। हेच जोन इफ़ यू ऑब्जर्व हियर, हेच जोन यहाँ पे इतना बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा हेच जोन है, वेर एज हेच जोन यहाँ पे देखो कितना कम हो जा रहा, हेच जोन की लेंथ भी डिक्रीज हो रही, वेर एज जो इंटैक्ट पोजीशन में है दैट इज ओनली दिस बैंड हियर, ए बैंड थिक फिलामेंट्स ही अपने लेंथ में रहते। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल, इफ इट वॉज गिव इट अ लाइक, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो ये वीडियो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होंगी एंड टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारा कंटेंट भी अपलोड होते जा रहा, सो मेक श्योर यू फॉलो द टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।